हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे बेहतरीन पील ऑफ मास्क के बारे में बात करूंगी जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रही हूँ सेंट बोटानिका का रोबस्टा कॉफ़ी पील ऑफ मास्क विद कॉफ़ी कैफीन एंड कोका बटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। आप ये देख सकते हो इसकी पैकेजिंग जो कार्ड बॉक्स के पैकेजिंग में आपको मिलेगा। तो चलिए प्रोडक्ट खोलते हैं, पर उसके पहले मैं बता दूंगी यहाँ पे आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज़, कॉशन, स्टोरेज, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आता है 100 ग्राम पैकेजिंग में और इसकी प्राइस है 499 रुपीज़ और इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहली नज़र पड़ी मेरे ये प्रोडक्ट पे जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करा वो है ये प्योर एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है ये मास्क। इसमें नो पैराबिन, नो एनिमल टेस्टिंग, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट और नो सिलिकॉन है, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट को यूज़ किया और उसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उसी के बाद मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, दूसरी एक अच्छी बात यह है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए, भले आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो या तो कॉम्बिनेशन स्किन हो, हर स्किन टाइप को ये सूट करता है। पर इसके पहले मैं बताऊँगी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो मैं ये ज़रूर मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप कभी भी प्रोडक्ट डायरेक्टली अप्लाई मत कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट लेते हो आप, इससे पहले आप पैच ट्राई अपने स्मॉल एरिया पे हाथ पे कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा आप इससे एलर्जिक हो कि नहीं या तो आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे कि नहीं। तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि काफ़ी ज़रूरी होता है किस किस की स्किन होती है जो काफ़ी एलर्जिक होती है कोई चीज़ों से, जो उनको सूट नहीं करती है, तो ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। बाकी मैंने आपको बता दिया ये 499 रुपीज़ में आता है, 100 ग्राम्स है ये। तो ओपन करते के साथ आपको कुछ इस तरह का ट्यूब पैकेजिंग मिलेगा। आप ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद है जो ट्यूब पैकेजिंग आती है, ईजी टू यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे इसके कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, जैसे आउटर पैकेजिंग में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी, वैसे ही सेम ये ट्यूब पैकेजिंग में भी आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इंग्रेडिएंट, हाउ टू यूज़, कॉशन, पूरा कुछ मिल जाएगा। इसकी प्राइस अगेन लिखी हुई है। फिर आपको जैसे मैंने बताया शेल्फ लाइफ 24 मंथ से फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कॉफ़ी हमारे स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ये एंटी एजिंग रहता है, सन टैन रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है, एक्ने पिंपल की समस्या भी दूर करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन इसमें प्रॉपर्टीज रहती है। फ्रेंड्स, अगर इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, काफ़ी मतलब हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं ऐसे इंग्रेडिएंट, जैसे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता है हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, जैसे हमारे स्किन में से डर्ट, पॉल्यूशन, जो भी एक्सेस ऑयल रहता है वो हमारे चेहरे में से, स्किन में से एक्सेस ऑयल निकालने में हमारी हेल्प करता है। और इसमें विटामिन ई भी है जो हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट रखता है, और जो मॉइस्चराइज है वो लंबे समय तक इसे लॉक करने में हमारी हेल्प करता है। और इसमें आपको लेमन पील भी मिलेगा जो हमारे स्किन को ब्राइटन, टाइटन करने में हमारी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप पील ऑफ मास्क लगाते हो तो जो आपके पोर्स है वो भी आपके श्रिंक होने में हेल्प हो जाएगी, और जो भी आपके पोर्स में जो डर्ट है, पॉल्यूशन है, वो एक्सेस ऑयल है, वो सब रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। और यंगर लुकिंग स्किन के लिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी आप सेंट बोटानिका का पील ऑफ मास्क यूज़ करने के लिए, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये सभी स्किन के लिए सुटेबल है। फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊँगी इसे कैसे यूज़ करना है। वैसे तो आपको प्रोडक्ट पे सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है, पर मैं इसका डेमो ज़रूर बताऊँगी कि इसे किसे लगाना है और कितने टाइम तक इसे रखना है। ये पील ऑफ मास्क यूज़ करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए कोई भी नॉर्मल फेस वॉश के साथ। इसके बाद आप सिंपली अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके आप ये मास्क अपने चेहरे में लगा सकते हैं। गाइस, याद रखिएगा इसे अपने अराउंड आईज नहीं लगाना है, उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। और आपको सिंपली ये स्प्रेड करते हुए पतली सी लेयर आपको ये पूरे चेहरे पर लगा लेनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पील ऑफ मास्क लगाने के कई फायदे। यह हमारे क्लॉक पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है, हमारे स्किन को रेडिएंट और मॉइस्चराइज बहुत ही अच्छे से करता है, और इसमें जो मुल्तानी मिट्टी है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स है, वो स्किन को प्यूरीफाई करता है, एक्सफोलिएट, क्लींस और नरिश बनाता है। फ्रेंड्स, आपको ये मास्क 10 से 15 मिनट रखना है, उसके बाद आपको ये निकाल देना है। आप ये देख सकते हो मैं इजीली निकाल रही हूँ बिना दर्द के। ये पहला मास्क है जिसमें मुझे दर्द नहीं हुआ है, बहुत ही इजीली काम करता है।
फ्रेंड्स ये पील ऑफ मास्क बहुत ही अच्छा है, इससे आपके जो भी व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रहेंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे बिना कोई तकलीफ के। तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी ये वाला पील ऑफ मास्क यूज करने के लिए। फ्रेंड्स ये मास्क लगाने के बाद मुझे काफी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है और मेरी स्किन ग्लो और सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हो मैं ऐसे ही प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लेके आते रहूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। फ्रेंड्स हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।